हेलो एवरीवन, आई एम अमरीन जुमानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमरीन जुमानी रेसिपी। आप सभी को पता है कि रमज़ान कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी लड़कियां हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है और अच्छे अच्छे वीडियो हमसे शेयर कर रही है, जो आपको मेरे चैनल अमरीन जुमानी रेसिपी पर देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे चने की दाल की टिक्की। और ये देख सकते हैं, हमने चने की दाल को 3-4 घंटे के लिए, आप चाहे तो रात को भी भिगो सकते हैं, नहीं तो 3-4 घंटे के लिए भिगो के रख दीजिए। अब इसको हमने सोक करने के लिए, मतलब पानी निकालने के लिए छलनी में रख लिया है। और ये हमने उसके मसाले लिए, हमने हरी प्याज ले लिए, ये हरी मिर्च ले लिए, ये ऑनियन ले लिया, ये हमने चिली चाप, ये सॉल्ट लिया, ये धनिया, मतलब अधकतरे धनिया हमने ले लिए, साबुत धनिया बोलते हैं इसको, ये चाट मसाला ले लिए, ये रेड चिली, ये गरम मसाला और टर्मरिक पाउडर, और ये कुछ चने की दाल हमने उसको निकाल लिए। ये हमारी चने की दाल हमने ग्राइंडर में पीस ली है, आप देख सकते हैं। हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ये जो हमने चने की दाल बाकी रखी थी हम उसमें वो ऐड करेंगे। उसके बाद हमने जो है कच्चे मसाले रखे हैं, सॉल्ट है, रेड चिली है, धनिया पाउडर है, सॉरी हल्दी पाउडर है, गरम मसाला है, चाट मसाला, चिली पाउडर, हम वो ऐड करेंगे। इसके बाद हम ये चॉप की हुई प्याज है, फिर हरी प्याज है, हरी मिर्च है और एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले कितने अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। हम अब इसमें से थोड़ा सा लेंगे और ऐसे उसको गोल गोल चलाएंगे पहले। और मैं आपको ये गोल करके टिकड़ी बना के दिखाऊंगी। सॉरी गाइस, मैं अकेली हूँ तो वीडियो भी मैं ही बना रही हूँ और ये मतलब जो है वो भी मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं आपको बनाऊंगी और फिर दिखाऊंगी। हमारे चने दाल की टिकड़ी तैयार है। इसी तरीके हम सब टिकड़ियाँ पहले बना लेंगे। ये हमने चने दाल की टिकड़ियाँ बना के रेडी कर रखी है। आप चाहे तो तलने के टाइम पे भी इसको बना के तुरंत ही तल सकते हैं। हमने कुछ डो ऐसे ही रखा है, हम वो हम आपको तलने के टाइम पे दिखाएंगे। और आप चाहे तो अपने ऐसे ही बना सकते हैं। अगर आपको ऐसे उठाने में बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप तुरंत ही बना के तेल में ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। तब हम एक एक करके अपनी टिकड़ी इसमें डालेंगे।